हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने एचपी का प्रिंटर खरीदा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, जिसका नाम है लेजर जेट प्रो P1108। इसके अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको इसके फीचर्स भी बताऊंगा और सारी जो भी इसके अंदर निकलेगा सामान वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको अनबॉक्सिंग करके। मगर दोस्तों, ये सब करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सील पैक है, देखिए, एचपी लेजर जेट प्रो P1108। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो हमारा सामान निकलेगा, प्रिंटर, एक सीडी, एक कोड केबल, दूसरी जो कंप्यूटर के साथ अटैच होगी ये यूएसबी वाली है, और हमारा एक कार्ट्रेज निकलेगा, 88A का, 88A का इसमें कार्ट्रेज डलता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो ये फीचर्स होने चाहिए आपके कंप्यूटर में, तभी ये इंस्टॉल होगा। 256 MB रैम, 150 MB फ्री HD स्पेस, सीडी रोम और यूएसबी। विंडोज 7 है अगर आपकी सॉफ्टवेयर, 1 GB रैम, जो वो होती है हमारी डेस्कटॉप, वो जो हमारी विंडो होती है वो है ये, विंडोज 7 है तो। और 350 MB फ्री HD स्पेस, सीडी रोम और यूएसबी। और विंडो विस्ता है तो हमारी 512 MB रैम होनी चाहिए, 350 MB फ्री HD स्पेस, सीडी रोम और यूएसबी। और अगर हमारी विंडो XP है तो 512 MB रैम, 350 MB फ्री HD स्पेस और सीडी रोम और यूएसबी, ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए। और दोस्तों, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, 88A का इसके अंदर कार्ट्रेज डलता है, और कार्ट्रेज की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये कार्ट्रेज सूखता नहीं है, जैसे दूसरे जो कार्ट्रेज होते हैं वो सूख जाते हैं, और ये कार्ट्रेज ये सूखता नहीं है। जैसे हम घरों में बहुत कम प्रिंटर निकालते हैं, ऑफिसों में तो फिर भी निकल जाते हैं लेकिन घर में कम निकालते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है अक्सर कि कार्ट्रेज सूख जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो ये कार्ट्रेज इसमें पाउडर होता है तो इसलिए ये सूखता नहीं है। सबसे बढ़िया जो इसका फ़ायदा है मुझे जो लगता है वो ये है, 88A की कार्ट्रेज है। और दोस्तों, ये 1500 पेज निकाल सकता है एक कार्ट्रेज से, तो 1500 पेज निकाल सकता है। और भी इसके फीचर्स हैं, जैसे आपके, जैसे इसकी जो वो होती है ट्रे वगैरह, ये देखिए, 1 मिनट के अंदर A4 जो साइज के पेपर होते हैं वो 18 पेजेस लगभग निकाल देता है। 18 पेजेस लगभग क्या, 18 पेज 1 मिनट के अंदर, ये A4 साइज के 1 मिनट में निकालेगा, काफ़ी अच्छी स्पीड है। 150 शीट होते हैं जो पेपर ट्रे रखी होती है, जिसमें पेपर हम रखते हैं, ब्लैंक पेपर रखते हैं, उसके अंदर 150 शीट रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस होता है, एक साथ रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप मल्टीपल पेपर साइजेस, मतलब आप A4 के लगा सकते हैं, लीगल के लगा सकते हैं, अलग अलग साइज के पेपर भी इसके अंदर लगा सकते हैं, सेव एनर्जी का है, ठीक है दोस्तों। ये सारे इसके फीचर्स हैं जो जिसको देख के मैंने ये खरीदा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए, इसकी सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। यह हम ब्लेड से काट रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी टेप लगी हुई है, आप इसको सेफ्टी से काटें, बच्चों बच्चों के सामने ब्लेड का यूज ना करें। ये देखिए, सबसे पहले खोलते ही ये है, इस ब्लेड को साइड रखें, ये हमारे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बुक निकलती है, सारी इसमें जो गाइड है, गाइडेंस है वो है, ये सब वही पेपर हैं, कितने साइज के कैसे है, क्या क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें, ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस पेपर्स हैं, इसको हम साइड रख देते हैं। उसके बाद ये सीडी निकलती है एक इसके अंदर, जिसे हम इंस्टॉल करते वक्त ये चाहिए होती है, ये हमारी सीडी है,
इसे साइड रख देते हैं। ये केबल निकलती है, ये पावर प्लग का है और ये हमारी कंप्यूटर में जुड़ेगी। ये केबल एक निकली है, ये दूसरी केबल है, ये एक हमारी यूएसबी की है, एक प्रिंटर में लगेगी और एक कंप्यूटर के अंदर लगेगी। ये पावर के लिए था, ये कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और ये बिजली से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटाते हैं। थोड़ा आराम से, एक साथ दोनों खींचने पड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा बॉक्स में ये था, ये खाली है। अब इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमारा ये प्रिंटर है, ये थर्माकोल हटाई, ये हमारी पूरी पैकिंग है। खोलो, ये पॉलिथीन, ये हर जगह से पैक होता है। इसे भी हटाइए, ये हटाइए, ये हमारा प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, अभी ये भी पैक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। एक कार्ट्रिज हमारे फ्री मिलते हैं, वो इसके अंदर ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कार्ट्रिज, ये हमारा प्रिंटर है, ये देखिए। बिल्कुल नया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इसकी इसके अंदर हम पेज रखते हैं, इसको हम चौड़ा कर सकते हैं या जैसे पेपर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे कोई पेपर लीगल का जैसे चौड़ विड्थ ज़्यादा होती है, ये हम लंबाई और ऐसे कर सकते हैं, ये हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक ये निकलता है हमारा, इसको हम यहाँ फिट कर देते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, पेपर उड़ रहे हैं या कुछ, तो पेपर जब रखे होते हैं तो इसके ऊपर रखे रहने के लिए, ताकि उड़े ना, इसके लिए होता है। ये साइड में यहाँ लगा दो, ये पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, ये लाइट्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं, ये हमारा पेपर, इसकी वजह से पेपर नीचे नहीं गिरता, इसको लंबा भी कर सकते हैं और पेपर यहाँ के रुक जाए, इसके लिए हम ये ऐसे खोल लेते हैं। इसको बंद बंद भी कर सकते हैं, गिरता नहीं है वैसे, नहीं तो हम चाहते हैं कि आगे सरके ना। कई बार ऐसा होता है, एक पेपर के साथ दूसरा पेपर चिपक के आगे सरकता है, तो इसके लिए ये है, इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसे खोलने के लिए हमें पहले ये खोलना पड़ेगा, ये खींचे, पहले ये हटाए थर्माकोल का आराम से। अब खींचो, ये खींचो, ये खींचो। अब खींचे उसे, ये देगी, ये इसके साथ था। और कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है, ये हमारा अंदर से होता है, जिसके अंदर ये रोलर जाता है। दोस्तों, ये जो कार्ट्रेज होती है हमारी, ये सील पैक कार्ट्रेज होती है, जिसे हमें खोलना पड़ता है। खोलने के लिए हमें पहले ये हटानी पड़ती है और फिर ये खींचनी पड़ती है। एक यहाँ पे होती है, इसमें ये खींचेगी, खींचो, हाँ ये देखिए, हाँ पूरे, ये देखिए, ये अब हमारा ये रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हमारा कार्ट्रिज, अब ये प्रिंटर हमारा बिल्कुल रेडी है प्रिंट निकालने के लिए। अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, ये मैंने अनबॉक्सिंग की है। ये हमारा प्रिंटर है, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है घर के लिए, मैक्स सही है काफ़ी यूज़ करने के लिए। घर के लिए एकदम परफेक्ट है, ऑफिसों में भी मैक्सिमम यही होता है, लेकिन घर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इसको, मेरे प्रेफरेंस अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में HP लेजर जेट P1108, जो ये हमारा प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, इसके बारे में, इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करें, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, ये सब बताने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम HP का लेजर जेट P1108 ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है ये। इसका पूरा हम कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, क्या हमें इसके इंस्टॉलेशन के वक्त CD से कैसे इंस्टॉल करें, सारा प्रोसीजर लास्ट तक इसका एक प्रिंट आउट निकालने तक हम आपको A to Z प्रोसीजर आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वैसे प्रिंटर है, ठीक है दोस्तों। इसको कनेक्ट करने के लिए ये इसके जो अनबॉक्सिंग वगैरह थी वो मैंने एक वीडियो में बना दी है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ये निकले हैं, दो वायर्स निकली थी। अभी तो हमने इसको एक टेबल पर रख रखा है, वैसे तो यहाँ रखते हैं लेकिन यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए आपको दिखता नहीं अच्छे से, इसलिए दिखाने के लिए यहाँ रखा है हमने। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। दो वायर हैं, ये वाली कनेक्ट करेंगे। इसके दो साइड हैं, देखिए एक ये साइड है ये प्रिंटर में लगेगा और एक ये साइड है पीछे USB वाले पोर्ट में लगेगा। तो ये लगाइए, देखिए कहाँ लगता है ये हमारा। यहाँ पे एक स्पेस होता है, जगह होगी कंप्यूटर के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ लगाएंगे। ये लग गया। ठीक है, सही है। अब ये वाला जो दूसरा है ये हमारा पीछे USB पोर्ट में लग जाएगा। USB पोर्ट में नीचे वाला है, नीचे वाला, हाँ यहाँ पे चेंज करके देखो। हाँ ये यहाँ लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट करने का था। दूसरी केबल होती है ये, हमें इसे पावर देने के लिए होती है। ये एक तो यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है ये है, देखिए एक यहाँ लगाइए। नहीं, हाँ ऐसे, और दूसरा पीछे हमने पावर प्लग में लगा लीजिए। यहां से दिखाता हूँ मैं आपको नीचे से। ठीक है दोस्तों, ये तो वायर्स लगाने का तरीका है, ये तो हमने कनेक्ट कर दिया है आपका। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से अब ये कनेक्ट हो चुका है लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसकी CD आती है, जब भी आप इसको खोलेंगे इसके अंदर एक CD रखी होगी, तो आप CD ROM में उस CD को डालें। खोले इस CD को, खोलो CD को डालें। बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, अब हमें कंप्यूटर में दोस्तों ये हमारे जैसे ये हमने पार्ट्स कर रखे थे ड्राइव के, ये ऐसे हमारी आ जाएगा इस पे DVD RW ऐसे HP लेजर जेट P1110 ऐसे हमारा आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके फोल्डर्स मैंने बताया आपको, ये आ जाएंगे। नीचे करें HP सेटअप लिखा आएगा, HP सेटअप देखिए ये लिखा रहा है आपका, इस पर क्लिक करें। इसको ये कह रहा है भाई आपको कोई चेंज वो करना है डाउनलोड वगैरह के लिए, तो यस कर दें। अब ये प्रोसेस हो रहा है हमारा। ये दो ऑप्शन आएंगे, इजी इंस्टॉल और एडवांस इंस्टॉल, तो इस पर नेक्स्ट कर दें। इजी इंस्टॉल पे ही रहने दें।
ठीक है दोस्तों, इसमें हमें सीरीज आ गई है कौन सी हुआ है। तो इसमें 1110 डब्ल्यू है, 1100 है, 1560, 1600। तो 1100 वाली पे P110 वाली पे क्लिक करें। हाँ, और अब नेक्स्ट कर दे। ये देखिए अब हमारा हो रहा है ये इंस्टॉलिंग, थोड़ा सा टाइम लेता है। आप सही है, ये घर के यूज के लिए आपको कंप्यूटर ये प्रिंटर सही है, क्योंकि घर पे इतने प्रिंट नहीं निकलते हैं। 1500 ये प्रिंट निकाल सकता है। एक बार अगर आप कार्ट्रिज इंस्टॉल करते हैं तो उस पे 1500 प्रिंट निकल सकते हैं। ये जो हमारी टेबल होती है, ये जो हमारी पेपर ट्रे होती है, यहाँ पे हम पेपर्स रखते हैं, ऐसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ। अभी पेपर्स रखता हूँ। इसमें सबसे बड़ी ये है कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। A4 लीगल, तो अब मैंने पास लीगल है वैसे, तो लीगल के लिए आपको ये कर दिया, ये एडजस्ट करने के लिए। ये छोटे बड़े साइज के लिए इधर से भी कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पेपर रोकने के लिए, बड़े पेज का सपोर्ट देने के लिए। इसके अंदर हमारी कार्ट्रेज होती है, ये कार्ट्रेज हमारी 88A की। दोस्तों उसके बाद जब आपको यहां से ऑन का बटन दबाना है, सारे कनेक्शन चेक करके, जैसे ही ऑन का बटन यहां से आप दबाएंगे, यहां पे ये लाइट आ जाएगी आपकी ग्रीन कलर की, और ऊपर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हमें एक टेस्ट पेपर भी निकालना है। ये देखिए ऑप्शन दो हैं, एक तो है रजिस्टर योर प्रोडक्ट और एक है प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट पेज। तो आपको रजिस्टर योर प्रोडक्ट वाला हटा देना है और इसको रहने देना है प्रिंट टेस्ट पेज को। इससे प्रिंट निकलेगा हमारा एक टेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको टेस्ट भी हो जाएगा, इसको क्लिक रहने दे, नेक्स्ट करें। अब ये देखिए हमारा प्रिंट निकलेगा यहाँ से, ये सिर्फ चेकिंग के लिए है कि हमारा सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ये देखिए इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, ये सारी हमारी इसके अंदर। इसका मतलब जब ये प्रिंट ऐसे निकल जाता है तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। बस हमारा इसका मतलब HP का प्रिंटर ये पूरा इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।